हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिग फिश ये 2003 की एक बड़ी सी एडवेंचर ड्रामा फैंटेसी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जो मूवी है, इस मूवी की स्टोरी बहुत ही अजीबोगरीब है। इस मूवी में एक लड़की के फादर मरने वाले होते हैं, तब उसे पता ही नहीं होता कि उसके फादर क्या करते हैं, क्योंकि उसके फादर हमेशा उसे अजीबोगरीब स्टोरीज सुनाते हैं। अपने फादर को जानने के लिए उनकी जो स्टोरीज होती है, इनका वो सेंस बनाना चाहता है। ये जो स्टोरी है, ये अलग ही तरह का एडवेंचर है। इस मूवी में जो भी सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इसे सिर्फ आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये एक स्टोरी है, एज अ फेरी टेल आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। इसके बाद में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको मूवी के लास्ट में पता चल जाएगा। हम अगर देखें तो स्टोरीज क्या होती है, स्टोरीज ये एक सच जो झूठ में लिपटा हुआ होता है। इसी तरीके से आज की भी हमारी एक स्टोरी है। तो चलिए इस ब्यूटीफुल मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर हमें दिखता है, इसका नाम है एडवर्ड ब्लूम। इसके पूरे लाइफ की स्टोरी हमें इस मूवी में बताई जाएगी। अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग स्टोरी हमें बताएगा। मूवी स्टार्ट होती है तो एड अपने सन को उसकी स्टोरी बता रहा होता है। ये कहता है कि जब मैं यंग था तो एक बड़ा सा फिश हमारे गांव में था, उसे कोई भी पकड़ नहीं सकता था। बहुत सारे लोगों ने बहुत ट्राई किया पर कभी भी उसे पकड़ नहीं पाए। अगर कोई उसे पकड़ भी लेता तो उसका नेट फट जाता। मैं इस फिश को पकड़ने के लिए बहुत ही डिटरमाइंड था। एक दिन मैंने बहुत ही बड़ा सा रॉड लाया। ये जो रॉड था इतना स्ट्रांग था कि बिल्डिंग को भी पकड़ सकता है। अब जो ये फिश है, इसे पकड़ना आसान नहीं है। कितना भी लालच इसे कुछ भी फिश का दे दो, फिर भी ये पकड़ में नहीं आने वाला। इसे पकड़ने के लिए मेरी जो एक रिंग थी, ये मैंने दाव पर लगा दी थी। ये रिंग जब मैंने पानी में डाली तो एक सेकंड में इस फिश ने यह पकड़ ली। ये जो रिंग थी, ये मेरी वेडिंग रिंग थी। इसे मैं जाने नहीं दे सकता था। इस फिश ने इस रिंग को खा लिया था, फिर वो पकड़ में नहीं आया था। मैं उसके पीछे पीछे भागता गया। अलग अलग रिवर्स में से मैं घूमता हुआ उसे मैंने पकड़ लिया। अब हमें स्टोरी बताते हुए ही दिखता है कि यही स्टोरी बच्चे के समर कैंप पर भी इसी एडवर्ड ने बताई है। अब इसका जो बेटा है, ये बड़ा हो चुका है। इसका नाम विल है। विल की आज शादी है और इसकी शादी में भी एडवर्ड यही स्टोरी सुनाता है। विल इससे एनॉय हो जाता है और वो बाहर चला जाता है। फिर भी हमें ये स्टोरी कंटिन्यू हुई दिखती है। एड कहता है कि उस फिश का मैंने पीछा किया। जब मैंने इसे पकड़ा तो मुझे पता चला कि ये एक मादा है। इसे बच्चे होने वाले हैं तो मैं उसे कैसे मार सकता था। इसके बाद इसने उस फिश से कहा कि उसकी रिंग उसे वापस कर दे, और उस फिश ने उसे वो रिंग वापस कर दी। एडवर्ड सब लोगों से कहता है कि उस दिन मैंने एक बड़ा सा लेसन सीखा। कभी कभी अगर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की तुम्हें चाहिए होगी तो उसे वेडिंग रिंग ऑफर करना ही उस पर बेस्ट सोल्यूशन होता है। एडवर्ड का बेटा विल बाहर चला गया है तो एडवर्ड उसे पीछे जाता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ है। विल कहता है कि हमेशा आप स्टोरीज सुनाते रहते हो, सच क्या है ये कभी मुझे पता नहीं होता। हमेशा आप ही सब चीज़ों का अटेंशन लेकर जाते हो। उसकी वेडिंग होती है और उस पर भी यही स्टोरी उसे सुना रहे हैं। विल कहता है कि आप एक ही स्टोरी बार बार सुनाकर अपने आप का मजाक उड़ाते हो। विल एड पर बहुत ही चिढ़ गया होता है। इसके बाद विल हमें कहता है कि इसके बाद मैंने 3 साल मेरे फादर से बात ही नहीं की। मैं अपनी मदर को कॉल करता था और मदर कह देती थी कि वो बाहर है ऐसे वैसे, क्योंकि मुझे उनसे बात ही नहीं करनी थी। विल हमसे कहता है कि मेरे और मेरे फादर का जो रिश्ता है, ये बहुत ही अलग है। हम एक दूसरे को तो जानते हैं पर भी मुझे बहुत ही स्ट्रेंजर महसूस होता है। हमेशा अलग अलग स्टोरी मुझे वो सुनाते आ रहे हैं, कभी भी एक्चुअल स्टोरी मुझे पता नहीं थी। विल को लगता है कि उसके फादर ने कभी भी किसी भी चीज़ की उसे कोई भी सच्चाई बताई नहीं है। इसी वजह से वो अपने फादर से रिलेशन नहीं रखना चाहता। एक दिन जब वो घर आता है तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि उसके फादर को स्ट्रोक आ गया था। अब विल घर आ जाता है। अब हमें फिर से एडवर्ड अपने सन को स्टोरी बता रहा है, ये दिखता है। यह स्टोरी है जब एडवर्ड छोटा था। वो अपने फ्रेंड के साथ रात में एक भूतिया बंगले पर गया था। वो एक दूसरे में बात करते हैं कि यहाँ एक विच रहती है। इस विच की एक आग ग्लास से बनी हुई है। कोई भी अगर इस आग में देखता है तो उसे उसकी डेथ दिख जाती है। एड इस पर ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहा था तो उसके फ्रेंड उसे कहते हैं कि जाओ फिर देख कर आओ। उसे उकसाते हैं अंदर जाने के लिए। एड भी थोड़ा सा डरा हुआ होता है, फिर वो अंदर जाता है। इस विच से वो मिलता है। उसे वो कन्विंस कर लेता है कि उसके फ्रेंड से वो मिले। उसके फ्रेंड जब इस विच के आँख में देखते हैं तो कैसे मरने वाले हैं, यह सब उन्हें दिख जाता है। इसके बाद एडवर्ड घर तक इस विच को छोड़ देता है। ये इस विच को कहता है कि मरना बहुत ही बुरा हो सकता है। अगर आपको मरने के ख्याल आ गए तो आप सही से जी नहीं पाओगे, पर आपको अगर पता होगा कि आप कैसे मरने वाले हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। बहुत सारे टाइम में आदमी को लगता है कि अब वो मरने वाला है, पर अगर उसे पता होगा कि इस तरह से वो नहीं मरने वाला तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। एड फिर देख लेता है कि वो किस तरह से मरने वाला है और उसे ये देख कर सही लगता है कि ये ठीक है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि विल घर आ चुका है। इसकी वाइफ जो है ये अब प्रेग्नेंट है।
इसके मदर को इसे देखकर बहुत ही खुशी होती है। इसकी मदर कहती है कि तुम्हारे फादर कुछ खा नहीं रहे, प्लीज ऊपर जाकर उन्हें कुछ खिला कराओ। ये जब अपने फादर को देखता है तो उसके फादर को पता होता है कि इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। एड उससे कहता है कि अब तुम्हारी लाइफ बहुत ही सरप्राइजेस से भरी होंगी, तुम्हारा बच्चा होने वाला है, तुम उसे बिगाड़ने की कोशिश करोगे मेरी तरह, मिसलीडिंग उसे ट्रूथ बताओगे और फिर भी वो सही से एक आदमी बन जाएगा। तुम जिस तरह से एक अच्छे आदमी बन चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक बैड फादर था। विल थोड़ा सा उसके फादर को खिलाता है और कहता है कि मैं अब यहाँ हूँ, इसके बाद हम कब मिलेंगे ये मुझे नहीं पता। जो स्टोरी, जो इवेंट जिस तरह से हुए थे, क्या आप मुझे उस तरह से बता सकते हो? एड इस पर शांत हो जाता है, उसे वो कुछ भी बताने नहीं वाला होता। विल फिर डिसअपॉइंटेड होकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि विल जब छोटा था तो एड उसे और एक स्टोरी सुना रहा है। ये कहता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे एक बीमारी हो गई थी, मैं ज़्यादा ही बढ़ने लग गया था, इसी वजह से मुझे 3 साल तक बेड में रहना पड़ा, एक मशीन के सहारे ये जीता था, ये स्टोरी में उसे बताता है। एड कहता है कि मुझे बहुत वक्त फिर मिला था, मैंने सब इंसाइक्लोपीडिया पढ़कर डाली, इसे मुझे पता चला कि एक फिश होता है, अगर उसे छोटे से बाउल में तुम रखो तो वो छोटा ही रहेगा, और अगर उसे ओशन में छोड़ दो तो 3-4 गुना वो बढ़ सकता है। इसी तरह से मुझे भी लगा था, मुझे लगा कि अब मैं बड़ा होने वाला हूँ, इसी वजह से मुझे ये सब तकलीफ आ रही है। इसके बाद एड कहता है कि जब मैं बड़ा हुआ तो सबके साइज में मैं बहुत ही बड़ा था, उनकी जो स्पोर्ट्स टीम थी उसमें वो फर्स्ट आता था, हर बार साइंस कॉम्पिटिशन हो या कोई भी हो इसमें यह फर्स्ट ही आता था। अपने टाउन में आग वगैरह लग गई तो इसे वो हेल्प करता था। एक दिन इनके टाउन में एक बड़ा सा राक्षस आ गया, इसने पूरा खेत खा डाला, ये बहुत ही बड़ा इशू हो गया था। इस टाउन के मेयर ने एक मीटिंग ली, इनमें सब लोग थे, इन लोगों ने कहा था कि अब इस मॉन्स्टर को मार देना चाहिए। मेयर कहता है कि इस शहर में वायलेंस नहीं होने दूंगा। एड फिर आगे आता है, एड कहता है मैं उससे बात कर सकता हूँ, कोई भी काम करने के लिए रेडी नहीं था पर एड करेजियस था। एड फिर रिवर के पास एक केव में आ जाता है, जब राक्षस से बात करने लग जाता है तो सिर्फ राक्षस की सांसों से ये बाहर फेंका जाता है। एड इस राक्षस को कहता है कि जब तक तुम बाहर नहीं आओगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। ये राक्षस फिर बाहर आ जाता है, ये उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। एड कहता है कि एज ए ह्यूमन सेक्रीफाइस, कि तुम मुझे खा सको, इसके लिए मैं आया हूँ। ये जो राक्षस है कहता है मैं तुम्हें नहीं खाने वाला। एड उसे समझाता है और कहता है तुम्हारा सिर्फ साइज बड़ा है, तुम भी हमारे जैसे ही हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे लिए ये टाउन छोटा सा है, अगर तुम बड़े से टाउन में जाओगे तो तुम्हें वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। एड कहता है कि मैं छोटा सा हूँ पर मेरी जो विल है, मुझे कुछ कर कर दिखाना है, ये बहुत ही बड़ी है, मेरे लिए भी ये टाउन बहुत ही छोटा सा ही है, मुझे भी सिटी में जाना है, हम दोनों साथ चल सकते हैं। ये राक्षस फिर उसे एक फ्रेंड मिल गया है और उसे एक्सेप्ट करने वाला शहर भी होगा, इसे एक आशा में अब वो रेडी हो जाता है। विल को मेडल दिया जाता है और ये शहर की खीज होती है। मेयर उसे कहता है कि जब भी तुम्हें फिर से वापस आना हो तब इस शहर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले होंगे। इसे सब लोग फिर अलविदा करते हैं, ये राक्षस के साथ शहर जाने के लिए चलने लग जाता है। अब अगर इस स्टोरी में हम देखें तो एड जब छोटा था तो उसे एक बीमारी हो गई थी, इसी वजह से उसे 3 साल तक यहाँ रुकना पड़ा था, पर अपने बेटे को अगर उसने ऐसा कहा तो ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग स्टोरी हो जाएगी। इसके अलावा अपने बेटे को कहता है कि वो बड़ा होने लग गया था, 3 साल तक उसे इंसाइक्लोपीडिया पढ़ना अच्छा लगता था तो उसे वो करने के लिए मिला। एक पॉजिटिव वर्जन और एक इपिक वर्जन उसे सुनाता है, उसके टाउन में एक बड़ा सा राक्षस आ गया था तो उसे निकालने के लिए उसने क्या क्या किया यह अपने सन को बताता है। अगर हम इसे रियल लाइफ से कंपेयर करें तो राक्षस एक सिम्बॉलिक जेस्चर रिप्रेजेंट करता है, ये जो राक्षस है ये आउटकास्ट है, कोई भी इसे पसंद नहीं करता। एडवर्ड जो है ये भी इसी टाउन में यही फील करता है, उसे कुछ बड़ा करना है इसी वजह से वो सिटी में जाना चाहता है। ये दोनों फिर फ्रेंड हो गए और ये दोनों सिटी में चले गए। अगर रियलिटी में जो हुआ था अपने सन को बता देता तो इसकी इंटेंसिटी नहीं रहती, इसका जो मैसेज है ये क्लियर नहीं जाता। जैसे मूवी प्रोग्रेस होती रहेगी तो और भी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। फिर से स्टोरी अब स्टार्ट हो जाती है और एड हमें राक्षस के साथ दिखता है, जब ये रास्ते से जा रहा होता है तो 2 रास्ते ही नहीं दिखते हैं, ये दोनों रास्ते एक ही जगह पर जाने वाले होते हैं। एड राक्षस से कहता है कि मुझे इस रास्ते से जाना है, ये एडवेंचर भरा है और बहुत ही डेंजरस है, यहाँ क्या है ये मुझे पता नहीं है, तो मुझे ढूंढना है। वो राक्षस को बता कर जाता है कि हम फिर से मिलेंगे। राक्षस को उस पर बिलीव नहीं होता तो अपनी सब चीज़ें वो राक्षस को दे देता है, वो कहता है कि मेरे लिए ज़रूर तुम वेट करना। एड फिर इस जंगलों से होते हुए निकल जाता है, इस जंगलों में इसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है पर इससे वो जूझता है। ये कहता है कि अगर तुम डिफ़िकल्टीज से नहीं गुजरे तो कुछ अच्छा तुम्हें कैसे मिल सकता है। यह जब ये जंगल पार कर लेता है तो वहाँ एक बहुत ही अच्छा सा टाउन उसे दिख जाता है, इस टाउन का नाम है स्पेक्टर
वहाँ पर जो लोग होते हैं ऐसे ही वेलकम करते हैं, ये कहते हैं कि तुम तो बहुत ही जल्दी आ गए, हमें लगा था कि तुम बाद में आने वाले हो। एडवर्ड बिलीव नहीं करता कि ये लोग सब उसे जानते हैं। ये जो टाउन है ये बहुत ही फिक्शनल है। एड कहता है कि हमारे गांव से एक पोएट भी यहाँ आया था। यहाँ जो आदमी होता है ये कहता है कि वो अभी भी यही है। इस पोएट से मिलने फिर विल जाता है। विल इस पोएट से पूछता है कि इतने टाइम तक तुम इस टाउन में रहे हो, या फिर से वापस तुम्हें घर जाना है, ऐसा कभी भी नहीं लगा? ये पोएट कहता है कि ये बहुत ही पीसफुल है, यहाँ कभी भी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, कभी भी ज़्यादा ठंडी नहीं होती, ये रहने के लिए बहुत ही परफेक्ट टाउन है, कभी मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। यहाँ रहने के लिए जो सब चीज़ें चाहिए ये सब कुछ अवेलेबल है। आदमी अगर यहाँ आ गया तो उसे कहीं भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर एड को ये एक्सेप्ट नहीं होता। एड एक फ्री स्पिरिट होता है। ये कहता है मुझे पता है कि ये बहुत ही परफेक्ट है, पर फिर भी मुझे सब कुछ चीज़ें देखनी है। एक्चुअल लाइफ में जो सब एडवेंचर्स है मुझे फील कर कर देखने हैं। मुझे पता है कि मुझे इस तरह से लाइफ मिल नहीं सकती, मैं रिग्रेट भी इस डिसीजन को कर सकता हूँ, फिर भी मुझे ये डिसीजन लेना है। सब लोग इससे नाराज़ होते हैं क्योंकि अब वे वापस जाना चाहता है। विल सिर्फ 18 साल का है तो उसने अभी लाइफ देखी नहीं है। ये लाइफ देखने के लिए सब ऐशो आराम छोड़कर वो वहाँ से निकल पड़ता है। जाते वक्त पोएट उसे हेल्प करता है। जब ये जंगल में होते हैं तो पोएट अपनी कविता उसे सुना रहा होता है। ये जो कविता होती है ये सिर्फ 3 लाइन्स की होती है। ये जो पोएट है इस टाउन की इस आरामों की जो लाइफस्टाइल है इसमें घुल मिल चुका है, इसी वजह से ये सही से काम नहीं कर पाता। एड जब जा रहा होता है तो उसे एक पॉन्ड में मरमेड भी दिखती है। इस मरमेड का वो पीछा करता है पर इसे पकड़ नहीं पाता। वहाँ पर एक छोटी लड़की आती है। ये छोटी लड़की उसे पसंद करती है ये वो कह देती है। एड कहता है कि इस टाउन में फिर से वापस आऊँगा पर मेरा अब ये टाइम नहीं है, जब सही टाइम होगा तो 100% मैं यहाँ वापस आने वाला हूँ। इसके बाद फिर से जंगल में एड घुस जाता है और जब यहाँ से जा रहा होता है तब पेड़ उसे जकड़ लेते हैं। ये बहुत ही डर जाता है, उसे लगता है कि अब वो मरने वाला है, पर तभी उसे याद आ जाता है कि इस तरह से वो नहीं मरने वाला, उसकी डेथ कैसे होने वाली है ये उसे पता है। हमें फिर से बूढ़ा एड दिखाया गया है और रात में अपनी फैमिली के साथ वो डिनर करता है। जब रात हो जाती है तो उसकी डॉटर इन लॉ उसके पास आकर बैठ जाती है। उसे वो अपने बचपन की स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि ड्रीम से मुझे पता चल जाता था कि कोई मरने वाला है, मुझे पहले पता चला था कि मेरी एंड मरने वाली है। यह मैंने जब मेरे मदर और फादर से कहा तो उन्होंने मुझ पर बिलीव नहीं किया और नेक्स्ट दिन सचमुच में मेरी एंड मर गई। कुछ दिनों बाद मुझे फिर से सपना आया, उसमें मुझे पता चला कि मेरे फादर मरने वाले हैं। मैंने मेरे फादर को यह सब बातें की। मेरे फादर ने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला, पर फिर भी वो रैटल हो चुके थे। दूसरे दिन जब वो काम पर गए तो डर डर कर ही काम कर रहे थे। पूरे दिन में उनकी डेथ होने वाली है इसका वो इंतज़ार करते रहे, पर ये हुआ नहीं। जब वो घर वापस आए तो अपनी वाइफ से उसने कहा कि मेरा डे बहुत ही खराब गया था। एड की मदर बोली कि तुम्हारा दिन खराब गया है, मेरा तो उससे भी बदतर था। सुबह मैं जब उठी तो दूध वाला हमारे पोर्च पर ही मर कर पड़ा हुआ था। ये बहुत ही फनी स्टोरी थी। इसका मतलब था एड एक नाजायज बच्चा था। अगर हम यहाँ एनालाइज करें तो एड नाजायज बच्चा था। ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन होती है, बहुत लोगों को इसे इफेक्ट होता है और ये किसी को बता पाना भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। एड अपनी डॉटर इन लॉ को ये बताता है तो इसे एक फनी बना देता है। स्टोरीज में छुपा हुआ सच, यही इस मूवी का पॉइंट है। अब एड उसकी वाइफ से कैसे मिला था ये अपनी डॉटर इन लॉ को बता रहा होता है। वो उसे कहता है कि जब राक्षस के साथ मैं सिटी में आ गया तो मैं एक सर्कस में गया था। सर्कस का जो मास्टर था उसने जब इस राक्षस को देखा तो अचंभित हो गया। इस राक्षस को उसने एक जॉब दे दी। इस सर्कस में ही एड उसकी वाइफ को देखता है। इसे पहली बार में उससे प्यार हो जाता है। इसका टाइम यही रुक जाता है। इसका नाम वगैरह कुछ भी नहीं जानता तो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। सर्कस का जो मास्टर होता है उसे अपनी ये प्रॉब्लम बताता है। मास्टर इस लड़की को जानता है पर उसे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला होता। मास्टर कहता है कि तुम कुछ काम नहीं करते, काम ने तुम्हें बहुत ही अच्छे काम किए होंगे, पर ये सिटी है, सिटी में तुम इस तरह से नहीं रह सकते। तुम्हारे पास अगर जॉब नहीं होगी तो उसे तुम अच्छी लाइफ नहीं दे पाओगे। वो उसे उसका पता नहीं देने वाला होता। एड कहता है कि तुम सर्कस के मास्टर हो, तुम मुझे यहाँ जॉब दे सकते हो। मास्टर कहता है ऐसे ही मैं किसी को कुछ भी नहीं देता। एड फिर बोलता है कि मैं फ्री में काम कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ उस लड़की का पता चाहिए। मास्टर फिर एड से एक डील करता है। ये कहता है कि जिस मंथ तुम मेरे लिए काम करोगे उस मंथ उस लड़की के बारे में एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा। अब हमें दिखता है कि बहुत अजीबोगरीब ये काम एड करता है। एड सर्कस में हर्ट भी हो जाता है फिर भी ये काम वो करता रहता था। 3 साल गुजर जाते हैं और उस लड़की के बारे में छोटी छोटी बातें उसे पता चल जाती है, जैसे कि उसे म्यूजिक पसंद है, पर ये लड़की कौन है क्या है इसे कुछ भी इसके बारे में पता नहीं होता। जब एक दिन अपने मास्टर से मिलने जाता है तो उसके ट्रेलर में एक वुल्फ होता है। इस वुल्फ की और एड की फाइट हो जाती है। एड एक लकड़ी लेता है और उसे दूर फेंकता है।
ये जो वुल्फ है ये कुत्ते जैसा हो जाता है। ये उस लकड़ी को फिर से एड के पास लेकर आता है। ये जो वुल्फ था ये अकेला था, एड के साथ इसे खेलना था, इसी वजह से ये उस पर अटैक कर रहा था। एड कहता है कि कभी कभी आपको चीज़ें लगती है कि जो बहुत ही डरावनी है, पर एक्चुअल में वो आपसे हेल्प मांग रहे होते हैं। अगर आप लोगों को कंपैशन से ट्रीट करोगे तो वही कंपैशन आपको फिर से वापस मिल सकता है। जब सुबह होती है तो ये जो वुल्फ था ये मास्टर ही था। रात में मास्टर वुल्फ बन जाता है। मास्टर ने अब देख लिया है कि एड बहुत ही अच्छा आदमी है। अब इस लड़की के बारे में वो सब कुछ उसे बता देता है। वो कहता है कि वो यूनिवर्सिटी में है, उसका सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है, तो जल्द से जल्द तुम वहाँ चले जाओ। एड बहुत ही खुश हो जाता है। वो भागते भागते ये लड़की जहाँ रहती है यहाँ पहुँच जाता है। इस लड़की का नाम सैंड्रा है। ये सैंड्रा का डोर खटखटाता है, उसे कहता है कि तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैंने 3 साल मेहनत की है, उसके साथ जो सब हुआ है ये उसे कहता है। सैंड्रा कहती है कि तुम्हारी रेपुटेशन से तुम्हारे बारे में जानती हूँ, पर हमारी शादी नहीं हो सकती। तुम जिस टाउन में आए हो उसी टाउन के एक लड़के से मेरी शादी होने वाली है। विल फिर हमें कहता है कि जिस टाउन से बचकर मैं यहाँ आया हुआ था, मेरे रूट से मैं बच रहा था, पर वही मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। अगर वो टाउन से नहीं निकलता तो सैंड्रा से शादी कर सकता था। एड को फिर रियलाइज़ होता है कि इतनी आसानी से जिस औरत से वो प्यार करता है इसे वो जाने नहीं दे सकता। ये फिर उसके क्लासरूम में उसे प्यार करता है ये बड़ा से अक्षरों से में लिखता है, आकाश में प्लेन से उसका नाम बनाता है, उसके घर के सामने बहुत सारे फूल वो रख देता है। सैंड्रा फिर इस सब से इम्प्रेस्ड हो जाती है। जिस लड़के से सैंड्रा की शादी होने वाली है वो भी वहाँ आ जाता है। ये विल का बचपन का फ्रेंड ही होता है, पर इन दोनों में कभी नहीं जमती। विल हमेशा फर्स्ट आता था और ये कभी भी फोकस में नहीं आ पाया। सैंड्रा एड से कहती है कि प्लीज़ इसे मत मारना। एड फिर बहुत मार खाता है। सैंड्रा फिर जिससे उसकी शादी होने वाली होती है उससे ब्रेकअप कर लेती है। इन दोनों की फिर शादी हो जाती है। वे फिर अपनी स्टोरी में कहता है कि मुझे आर्मी में जाना पड़ा, जो प्रेसिडेंट है इनका उन्हें ऑर्डर आया था और जो सब यंग जनरेशन थी इन सबको मिलिट्री में सर्व करने पड़ने वाला था। इन्हें 3-4 साल वहाँ सर्व करने थे, पर अगर एड ने अलग अलग मिशंस ले लिए जो बहुत ही डेंजरस थे तो उसे 1 ही साल सर्व करना पड़ेगा। तो इस तरह के मिशन एड ने लिए। इसी मिशन पर कोरियन लोगों से उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्लान्स छीनने थे। ये छीनने के लिए वो एक सर्कस टाइप जगह पर ही आ गया। उसने जब वहाँ से प्लान चुरा लिए तो वहाँ 2 शोगर्स आ गए। ये दोनों एक दूसरे की बॉडी से कनेक्टेड थी। ये बहुत ही डर चुकी थी, अगर इनने सिपाहियों को बुला लिया तो एड मर सकता था। एड ने फिर सैंड्रा की फोटो इन्हें दिखाई। एड कहता है कि मेरे वाइफ के पास मुझे फिर से जाना है। इन दोनों लड़कियों ने फिर से वहाँ से निकलने के लिए हेल्प की। एड को वापस आने में बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया। सैंड्रा को लगा ये मर चुका है, मिलिट्री ने भी ये अनाउंस कर दिया था, पर जब एड वापस आ गया तो सैंड्रा बहुत ही खुश हुई थी। हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है। हमें एड का सन विल और उसकी वाइफ बेड में है ये हमें दिखता है। उसकी वाइफ कह रही होती है तुम्हारे तो फादर की लव स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये स्टोरीज है, फिर भी इन्हें सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। विल कहता है कि ये स्टोरीज है सुनना अच्छा लगता है तो सही है, पर ये गलत भी है। मेरे फादर कौन है ये मुझे पता ही नहीं है, उनकी एक पूरी लाइफ अलग है ये मुझे लगता है। मैं जब भी छोटा था तो मेरे आसपास वो कभी भी नहीं थे, मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे वो चाहिए थे, पर कभी भी वो मेरे आसपास नहीं थे। नेक्स्ट दिन सुबह जब होती है तो विल अपने फादर के पास आता है। उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है कि वो अपने फादर को नहीं जानता ये सब अपने फादर को कहता है। ये कहता है कि एक बार लास्ट बार मुझे सब कुछ सच बता दो, तुम कौन हो ये मुझे जानना है। एड कहता है कि जब से मैं बॉर्न हुआ हूँ मैं यही हूँ, मैं कोई भी अलग आदमी हो ये मैं तुम्हें नहीं दिखाना चाहता। एड डिसअपॉइंटेड होकर वहाँ से चला जाता है। विल की मदर उससे कहती है कि तुम्हारे फादर का जो सामान है उसे तुम सॉर्ट कर दो। विल स्टोरेज रूम में आता है तो वहाँ बहुत अजीब अजीब चीज़ें वो देखता है। जब एड छोटा था तो एक मशीन के सहारे वो 3 साल तक रहा था, या एक्चुअल में मशीन एग्जिस्ट करती है, यानी कि एड जो सब कह रहा था इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई थी, ये विल को पता होता है। फिर से हमें विल की स्टोरी स्टार्ट हुई दिखती है। विल कहता है कि जब मैं आर्मी से वापस आ गया था तो मेरी लाइफ परफेक्ट थी, मुझे सिर्फ मेरे वाइफ के लिए एक अच्छा सा घर बाय करना था। मिलिट्री में जाकर आने के बाद ये सेल्समैन बन गया, हमेशा रोड पर ही रहता था। एड एडवेंचरस होता है, अलग अलग जगह पर जाना उसे अच्छा लगता है, तो इसी वजह से ये जो रोड जॉब है इसके लिए परफेक्ट होता है। अब हमें दिखता है कि एड बहुत ही अच्छा सेल्समैन बन जाता है, इसकी वजह से इसके पास बहुत ही अच्छी कार भी आ जाती है। एक दिन जब एड टाउन में था और बैंक में आया हुआ था तब वहाँ उसका पोएट फ्रेंड आ गया जो उस बहुत ही अच्छे से टाउन में रह रहा था। एक दूसरे को देख कर बहुत ही सरप्राइज हो गए। एड ने उसे पूछा इतना परफेक्ट टाउन छोड़कर तुम वापस कैसे आ गए। इस राइटर ने उसे कहा कि तुम जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाहर भी बहुत सारा एडवेंचर है,
इसी वजह से पूरी लाइफ में अब एडवेंचरर की तरह जीना चाहता हूँ। इसलिए अब मैं ये बैंक लूटने वाला हूँ। ये पोएट फिर गन निकाल लेता है और इस बैंक को लूटता है। एड की गाड़ी में वो बैठा हुआ होता है। एड को उसने वॉल्ट लूटने के लिए बोला हुआ होता है। ये जो वॉल्ट होता है ये खाली होता है। एड फिर पोएट को समझाता है ये जो सिटी है ये बैंकक्रप्ट हो चुकी है, इसी वजह से इसमें ज़्यादा कुछ पैसे नहीं है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो बैंक लूटना ये सही काम नहीं है। तुम्हें अगर सचमुच में अच्छे पैसे चाहिए हो के तुम वॉल स्ट्रीट में जा सकते हो। अब चीज़ें उसे वॉल स्ट्रीट के बारे में समझाता है, यानी कि अगर पोएट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो बहुत ही रिच बन सकता है। इसके बाद एड हमें कहता है कि पोएट ने सचमुच में वैसा ही किया। उसे जब $1,000,000 मिले तो उसमें से $10,000 उसने मुझे दे दिए। इस पैसों से मैंने एक बड़ा सा घर बाय कर लिया। उसका जो सपना था उसकी वाइफ के लिए घर लेना, उसने वो पूरा कर डाला। अब अगर हम इस स्टोरी में देखें तो उस पोएट को एड ने हेल्प की थी। फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए उसे क्या करना चाहिए ये उसे गाइड उसने किया था। एक सिंपल चीज़ थी, पर जब इसने रॉबरी इसमें डाली, उसे बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, ये सब चीज़ें उसमें डाली तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गई। ये स्टोरी कोई भी भूलने नहीं वाला। अब हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है। विल अपने फादर की सब चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहा होता है। उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं, इसमें उसके फादर के नाम पर एक बड़ा सा घर है ये उसे पता चलता है। उसका शक होता है कि उसके फादर का कहीं अफेयर चल रहा था। उसे लगता है कि यहाँ जाएगा तो उसे वो औरत मिल जाएगी। वीर फिर वहाँ विजिट करने के लिए चला जाता है। हाउस में जो औरत रह रही है, इस औरत को जब हम देखते हैं तो मूवी के फर्स्ट में हमें जो विच दिखाई गई थी ये वही औरत है, पर ये अभी विच बनी हुई नहीं है। विल उसके घर में आता है, उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे और फादर में कुछ तो था। मेरे फादर बहुत सारी औरतों के साथ फ्लर्ट करते थे, उनके बहुत सारे चक्कर होंगे, ये मुझे पता था। ये कहती है कि मैं बता सकती हूँ तुम्हारे फादर और मेरे बीच में क्या रिलेशनशिप थी, पर तुम्हारे मन में जो तुम्हारे फादर की इमेज है इसे मैं नहीं ठुकराना चाहती। विल इसे थोड़ा सा फोर्स करता है। इसके बाद फिर हमें और एक स्टोरी ये सुनाती है। ये कहती है कि विल सेल्समैन था तो रोड से वो जा रहा था। एक दिन स्टॉर्म आ गया और वो फिर से स्पेक्टर टाउन में आ गया। ये वही टाउन था जो मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था, जो बहुत ही परफेक्ट टाउन था। जब इस टाउन में वो वापस आ गया तो ये टाउन बर्बाद हो चुका था। यहाँ के लोगों से जब उसने बात की तो उसे पता चला कि टाउन बैंकक्रप्ट हो चुका है। एड को बहुत ही बुरा लगा। एड को अब इस टाउन को फिर से बनवाना था, इसी वजह से उसने अपने जो सब फ्रेंड्स थे इनसे मदद ली। जो सर्कस का मास्टर था ये भी अमीर था। उसके बाद उसका वॉल स्ट्रीट का फ्रेंड जो पोएट है ये भी अमीर था। इन सब की मदद लेकर उसने एक ट्रस्ट ली और पूरे टाउन को बाय कर लिया। इससे जो टाउन है ये फिर से सही से बन सकता है। लास्ट घर बचा हुआ था तो उसे खरीदने जब वो गया तो ये लड़की वहाँ थी। इसने एड से कहा कि वो ये हाउस बेचना नहीं चाहती। इनकी बातों बातों में इसे पता चला कि जो स्पेक्टर में जो छोटी लड़की थी जिसने उसे कहा था कि वो उसे पसंद करती है, ये वही लड़की है। इसका दिल टूट चुका था। अब ये दोनों एक दूसरे से फिर से मिल गए हैं। उसे कहती है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। जब एडवा से जा रहा होता है तो इस घर का डोर टूट जाता है। अब इस घर को सही करना एड का प्रोजेक्ट बन जाता है। ये घर टेढ़ा होता है तो अपने मॉन्स्टर फ्रेंड से वो हेल्प लेता है। इसे वो सही से करता है, इसे पेंट वगैरह करता है और पूरे घर की मरम्मत कर देता है। जब इस लड़की को हेल्प कर रहा था तभी इन दोनों में नज़दीकी आ गई। इसे किस करने वाली थी पर एड ने उसे रोक लिया। एड ने कहा था कि वो अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता है, वो इसके साथ अफेयर नहीं कर सकता। एड जब जा रहा था तब इस लड़की ने उसे जो विल थी वो वापस कर दी। इसके बाद बहुत सारा टाइम गुजर गया और जहाँ यह लड़की रहती थी ये विच बन गई। जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी यहीं पर ये ख़त्म हो गई। बेचारा विल यहाँ बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाता है। जिस तरह से उसके फादर उसे कुछ भी सच स्टोरी नहीं बताते, उसी तरह से उसे लगता है कि ये औरत भी इसी तरह से उसे झलावा दे रही है। विल जब घर पर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर को फिर से स्ट्रोक आ चुका है। अब इसके फादर मरने वाले हैं। विल अपने फादर से लास्ट बात करने के लिए आता है। इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होता है ये विल से बात करता है। ये विल से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कैसे बॉर्न हुए थे। विल कहता है कि मेरे फादर ने मुझे कभी सच्चाई बताई नहीं है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी मदर प्रेग्नेंट थी पर तुम्हारे फादर जॉब के लिए बाहर गए थे। तुम जब बॉर्न हुए थे तभी यहाँ नहीं थे। डॉक्टर फिर उसे समझाता है तुम्हारे फादर ने तुम्हें जो स्टोरी बताई होगी बहुत ही एडवेंचरस होगी। अगर ये स्टोरी जैसी है वैसे अगर वो तुम्हें बता देते तुम्हें मज़ा नहीं आता। तुम कैसे जन्मे थे इसकी स्टोरी अब तुम्हें हमेशा से याद रहेगी। डॉक्टर कहता है कि अगर मुझे दो वर्जन्स में से चूज करना होगा तो मैं फिक्शन वाला वर्जन ही चूज करूंगा। विल फिर इस पर सोचने लग जाता है। इसके फादर फिर उठ जाते हैं। इसके फादर उसे बोलते हैं कि अब मैं कैसे मरने वाला हूँ इसकी स्टोरी तुम मुझे सुनाओगे। विल को पता चल जाता है कि उसके फादर उसे क्या कहना चाहते थे। इसके फादर मरने वाले हैं।
ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है लाइफ में। इस तरह से बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है। इसे आप किस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हो, इसे किस तरह से पॉजिटिवली आप देख सकते हो, इसका एक ही वे है कि इसे एक फिक्शनल स्टोरी में कन्वर्ट कर दे। इसके फादर अब किस तरह से मरने वाले हैं और इनका फ्यूनरल वगैरह किस तरह से होगा, इसकी एक फिक्शनल स्टोरी बनाकर विल उन्हें सुनाना स्टार्ट कर देता है। ये अपने फादर को कहता है कि एक दिन अचानक से तुम उठ गए और अच्छे हो गए। हॉस्पिटल में हमें सब लोग रोकना चाहते थे, पर हम कभी भी नहीं रुके। हम वहाँ से भागते भागते गाड़ी में बैठकर चले गए। इस रास्ते में ट्रैफिक थी, पर आपके जो मॉन्स्टर फ्रेंड थे उन्होंने इस ट्रैफिक को बाहर निकालने के लिए बहुत ही हेल्प की। सब गाड़ियों को रास्ते से बाहर उन्होंने निकाल दिया। मैंने फिर आपको गोद में उठा लिया। अचानक आपका जो वेट था वो बहुत ही कम हो चुका था। जब हम रिवर के पास आए तो सब आपके फ्रेंड्स वहाँ थे, यानी कि सर्कस का मास्टर, कोरिया में जो ट्विंस लड़कियाँ उसे मिली थी, ये लड़कियाँ, जो पोएट था वो, और उसका मास्टर फ्रेंड तो यहाँ है ही। जो सब लोग एड को जानते थे वो सब यहाँ थे। ये हंसी खुशी उसको चेयर कर रहे थे। विल फिर अपने फादर को रिवर के पास लेकर आया। जब पानी में अपने फादर को उसने डाला तो उसके फादर फिश बन गए, एक बड़े से फिश वो बन गए हैं। यही वो स्टोरी ख़त्म कर देता है। ये अपने फादर को कहता है कि जो तुम हमेशा से थे वो तुम बन गए। इतने बड़े आप फिश हैं तो आपको कोई पकड़ नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। डेथ ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है। इसके बाद क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। विल के फादर एड ये भी अपने डेथ के लिए बहुत ही परेशान होते हैं, ये डर रहे होते हैं। पर उनका सन यानी कि विल जब इन्हें ये स्टोरी सुनाता है तो अब ये चैन से मर जाते हैं। अब हमें एड का फ्यूनरल दिखाया जाता है। इस फ्यूनरल में सब लोग आते हुए दिखते हैं। सर्कस का मास्टर, ट्विन और वो मॉन्स्टर, ये सब वहाँ आ चुके हैं। अब हमें रियलिटी में वो कैसे थे ये सब दिखता है। एड ने स्टोरी में हमें बताया था कि ये जो ट्विंस थी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, पर ये रियलिटी में वैसा नहीं था। एक्चुअल में ट्विंस थी और हमेशा एक दूसरे के साथ वो रहती थी। इसी वजह से उसने फिक्शन में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी ये उसने बता दिया था। जो मॉन्स्टर स्टोरी में उसने बताया था वो इतना बड़ा सा मॉन्स्टर नहीं था, यह सिर्फ बहुत ही हाइटेड आदमी था। यानी कि एड ने जो रियलिटी थी उसको सिर्फ एग्जाजरेट कर कर बताया था। हमें दिखता है कि विल को भी बच्चा हो चुका है। जो स्टोरीज उसके फादर जिस तरह से उसे बताते थे उसी तरह से वो भी स्टोरीज अपने बच्चे को बताता है। यही मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में हमें बताया गया है कि मरने के बाद हम लेगेसी छोड़कर जाते हैं। हमारे आसपास जो सब लोग होते हैं वो हमें स्टोरीज में ही याद रखते हैं। अगर हमें लोग स्टोरीज में याद रखे तो हम अमर हो जाते हैं। इस मूवी में जो भी लाइफ हमें जीनी है एक एडवेंचरर की तरह हमें जीनी चाहिए, एक मैसेज दिया जाता है। कितने भी पूरे टाइम में आप रह रहे हो तो भी आप अच्छे से जी सकते हो, इसे आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो। बहुत ही अच्छी मूवी थी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी ऐसी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबाना मत भूलिए, यानी कि आपको सब मूवीज़ मिलते रहे। हम फिर से मिलेंगे एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।